क्वेश्चन ये है कि बेरोजगारी मुद्दा है, मुद्दा था, मुद्दा रहेगा, तो लेकिन ये मुद्दा क्यों नहीं बना पाया विपक्ष के दल। क्वेश्चन ये है कि महंगाई मुद्दा था, मुद्दा है और मुद्दा रहेगा, लेकिन इस मुद्दे को इनकैश क्यों नहीं करवा पाए। जो इसके रिजल्ट आए हैं, इसके इम्प्लीकेशंस देखिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला एक मिथ ये चेंज हुआ, हमेशा ये माना जाता था कि मुस्लिम या मुस्लिम वोट बैंक जीत का ट्रंप कार्ड है, वो लगभग पिछले दो चुनाव में खत्म हो गया। अब राजनीतिक पार्टियों को भी लगने लगा कि मुस्लिम वोट बैंक को साधना तुष्टीकरण की राजनीति करना जीत की गारंटी नहीं है। पहली चीज, मुद्दों ने सबने काम किया है, पर वो है कि 80-20 सफल हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। मिश्रा जी, आप इत्तेफाक रखते प्रेम जी की बात से कि 80-20 सफल नहीं हुआ। मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि बसपा, कांग्रेस और ओवैसी 223 से भी ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी रण में उतारे, और हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से सभी को हार का सामना करना पड़ा। बीएसपी ने 88 उम्मीदवार मुस्लिम चेहरे उतारे, एक भी उम्मीदवार जीत नहीं सका। कांग्रेस 75 उम्मीदवार मुस्लिम चेहरे उतारे, एक भी नहीं जीत पाया। नहीं देखिए, 80-20 पे मैंने पहले भी बोला था, और रहस्यवाद एक तथ्य होता है, तो कभी भी इसको किसी ने क्लियर नहीं किया। जिसको जो समझना था वो समझा। मुझे ये लगता है कि 35 चेहरे जो जीते हैं समाजवादी पार्टी के, वो समाजवादी पार्टी का अपना जो ट्रेडिशनल सिद्धांत रहा है। मुसलमानों की अगर बात करें, उन्होंने देखा, जो बसपा का मुसलमान वोट बैंक है, उन्होंने ये देखा कि भाई ये तो एकदम शांत है, कोई कैंपेन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो चुनाव कैंपेन शुरू होने के वक्त ही लोगों ने ये मान लिया कि बीएसपी लड़ाई में नहीं है, मीडिया ने मान लिया, बीएसपी के नेताओं ने मान लिया, और उनके क्रियाकलापों से ये पता चला कि बीएसपी लड़ाई में है ही नहीं। तो अब उनके वोट बैंक कहाँ जाएंगे, जो 20% में बिलीव करते थे, उनके लिए ऑप्शन था। उन्होंने ये देखा कि कांग्रेस नहीं आ पाएगी, तो अपने वोट को व्यर्थ होने से बचाने के लिए वो समाजवादी में शिफ्ट हो गए। समाजवादी को जो 100 से ज्यादा सीटें मिली हैं, वो इसलिए भी मिली हैं कि कांग्रेस और बीएसपी एकदम निरर्थक साबित हो रही थी, तो जो 20% में बिलीव करते थे, उनको लगता था कि कांग्रेस और बीएसपी, हमारी पार्टी कुछ कर नहीं रही है, तो जो कर रही है, जो ज्यादा हितैषी है 20% मुद्दों का, वो उसमें शिफ्ट हो गए। इसके कारण समाजवादी पार्टी में जो है थोड़ा सा उनकी सीटें बढ़ गई हैं। समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ने का रीजन ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने बड़ी मेहनत की थी। समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ने का मतलब ये है कि कांग्रेस और बीएसपी ने पता नहीं क्यों एक तरीके से वॉकआउट टाइप का दे दिया। तो अब उनके 5% 2% जो शिफ्टिंग वोटर है, वो कहां जाएंगे? क्लोज आइडियोलॉजी उनको लगी समाजवादी पार्टी। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं प्रेम जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, प्रेम जी ने जो बात की, ये कह रहे तमाम फैक्टर्स थे जिस वजह से बीजेपी जीती। अगर वाकई में जो फ्री राशन वाला फॉर्मूला था जो सबसे ज्यादा चला बीजेपी का, जो कहा जा रहा है, तो फ्री राशन तो मुस्लिम चेहरों के घर भी पहुंचा ना, तो फिर ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली बात कहां है? नहीं, अगर मुस्लिम के यहां पहुंच रहा है राशन, और हिंदू के यहाँ भी पहुंच रहा है, सबके यहाँ पहुंच रहा है, क्रिश्चियन के यहाँ भी, तो सबका साथ सबका विकास, सबके यहाँ पहुंच रहा है तो सबका साथ हो गया। और उस राशन से जो सहूलियत मिल रही है, सबका विकास हो रहा है। ये आपने खुद बोला मुसलमानों के यहाँ भी पहुंच रहा है, तो क्रिश्चियन के यहाँ भी पहुंच रहा होगा, तो बौद्ध के यहाँ भी, जैन के यहाँ भी पहुंच रहा होगा। अगर वोट के तमाम फैक्टर रहे तो फिर समाजवादी पार्टी के ही मुस्लिम चेहरे क्यों जीत कर आए? समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे इसलिए जीत करके आए कि बीएसपी के भी जीतते और कांग्रेस के भी जीतते, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस एकदम अपनी एक्टिविटी से एकदम शून्य हो गई। मेहनत कौन कर रहा था? मेहनत नो डाउट बीएसपी और कांग्रेस के कंपेरिजन में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ज्यादा मेहनत कर रही थी। तो जो शिफ्टिंग वोट होता है, उनको लगा यार ये पार्टी तो मेहनत कर नहीं रही है, जो पार्टी हमारे आइडियोलॉजी से क्लोज है, एकदम क्लोज मैचिंग है, और उसके साथ साथ जो है जो मेहनत भी कर रही है, उसके जीतने के चांसेस हैं, तो उसमें शिफ्ट हो जाओ, तो वो वहां शिफ्ट हो गए। वैभव जी, देश का संविधान ये इजाजत देता है। एके मिश्रा अपनी बात रख रहे, फिर उसके बाद प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए एके मिश्रा जी, वो कह रहे राजनीतिक भागीदारी। नहीं चावला जी, देखिए जो इसके रिजल्ट आए हैं, इसके इम्प्लीकेशंस देखिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
पहला एक मिथ ये चेंज हुआ, हमेशा ये माना जाता था कि मुस्लिम या मुस्लिम वोट बैंक जीत का ट्रंप कार्ड है, वो लगभग पिछले दो चुनाव में खत्म हो गया। अब राजनीतिक पार्टियों को भी लगने लगा कि मुस्लिम वोट बैंक को साधना तुष्टीकरण की राजनीति करना जीत की गारंटी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, 80-20 के मुद्दे को मैं फिर से आपको बता दूं, रहस्यवाद वाला ये एक एजेंडा था, योगी जी ने इसको चलाया और जिसको जो समझना था वो समझ लिया अपने अपने हिसाब से। किसी ने इसको 20% को मुसलमानों से जोड़ा, किसी ने नहीं, विनोद सिंह को जोड़ रहे हैं, अभी भी आपके सामने जोड़ रहे हैं। वो ये कह रहे कि हमें तो सहयोग मिला आला कमान से, लेकिन हर कार्यकर्ता जो है उम्मीदों पर अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया। मैंने बताया ये रहस्यवाद था, खग जाने खग ही की भाषा। योगी जी ने बोला जिसको जो समझना था अपने हिसाब से समझ लिया, 80% वाले ने उसको समझ लिया, 20%। अब इसके कई मतलब होते हैं, उसको जाने दीजिए। आपका जो पहले बोल रहे थे, एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने बोला, मैं मानता हूं बेरोजगारी मुद्दा था और है। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम भारत और डेवलपिंग कंट्री की अगर मैं बात करूं, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और है, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बन जाता है और है, पूरी दुनिया में है, ठीक है। दूसरी चीज आप और बोलेंगे, जैसे सांड, मैंने आप ही की डिबेट में बोला था कि सांड के कारण प्रॉब्लम तो है लेकिन वो कोई मुद्दा नहीं बनेगा। उसके पीछे कारण है कि जो किसान ये बोल रहे थे कि हम सांडों से बड़े परेशान हैं, सांड और पशुओं को लेके एक प्रेम भावना है, हिंदुओं में तो है ही। अब वो क्या करेंगे, सांडों से परेशान है तो उनको पकड़ के काट थोड़ी डालेंगे, कतलखाने में थोड़ी भेजेंगे। हिंदू समाज कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि सांडों से परेशान है तो उसको कतलखाने में भेज देगा। तो इसलिए ये मुद्दा नहीं बनेगा, मैंने पहले बोला था सांड वाला मुद्दा नहीं बना। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि बेरोजगारी मुद्दा है, मुद्दा था, मुद्दा रहेगा, तो लेकिन ये मुद्दा क्यों नहीं बना पाया विपक्ष के दल। क्वेश्चन ये है कि महंगाई मुद्दा था, मुद्दा है और मुद्दा रहेगा, लेकिन इस मुद्दे को इनकैश क्यों नहीं करवा पाए, क्यों नहीं कर पाए। प्रेम जी, जिसपे प्रेम जी आपको क्या लगता है, अगर वाकई में ये मुद्दा था तो ये मुद्दा विपक्ष कैश क्यों नहीं कर पाया। नहीं, एक लाइन और सुन लीजिए, एक लाइन चावला जी, एक लाइन, मैं जानना ये चाहता हूं कि ये बड़े गंभीर मुद्दे थे, 2 रुपए पेट्रोल की कीमत सस्ती हो जाए जनता नाचने लगती है, 50 पैसे बढ़ जाए तो जनता में कोहराम मच जाता है। महंगाई एक मुद्दा था, मुद्दा है, लोग परेशान हैं, लेकिन लोगों के अंदर, वोटरों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को ताक पे रख करके ऐसे कौन से मुद्दे को क्या सोच के उन्होंने वोट दे दिया। प्रेम जी क्या लगता है, ये है इत्तेफाक, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव का जिक्र किया जा रहा था, तो यानी एके मिश्रा उन मुद्दों के आधार पर चुनाव हुआ नहीं, या तो फिर महंगाई के मुद्दे पर नहीं हुआ, बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं हुआ, या फिर उन पुरानी पेंशन के विषय पर नहीं हुआ जिस मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही थी, जनता ने किसी और मुद्दे पर ही वोट दिया। फिर इसका मतलब एके मिश्रा, नहीं देखिए मैं आपको बता रहा हूं जनता ने किस मुद्दे पर वोट दिया। लगातार मैं इलेक्शन को ट्रैक कर रहा था। आपकी जिंदगी में, एक इंसान या इवन जानवर की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर आपकी जान पे बना है, सुरक्षा पे बना है, तो आप अपने रुपए पैसे सारे मुद्दों को छोड़ देते हो। इसमें जो सबसे मुद्दा चला और साइलेंट वे में मुद्दा चला, वो मुद्दा चल गया आपका सुरक्षा का, जो कानून व्यवस्था, सुरक्षा, गुंडों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी। आप देखिए, एक फिल्म का क्लाइमेक्स तब होता है जब हीरो परेशान होने के बाद लास्ट में विलेन की धुलाई करता है। पब्लिक उसमें बड़ी खुश होती है, बहुत लाइक करती है। और सुरक्षा का मुद्दा न केवल आदमियों में, इंसानों में, जानवरों में भी सबसे बड़ा मुद्दा होता है। मैं पूछ लेता हूं, मुझे ये लगता है कि ये सुरक्षा का मुद्दा जो आप भी कह रहे हैं। ओके विनोद सिंह आप देखिए, वो बोलना चाह रहे हैं। एके मिश्रा जल्दी से, फिर वैभव जी आपको कुछ बयान आ रहे, बयान सुनाऊंगा, दिलचस्प बयान है, दो बोलिए। एके मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि आपको सिर्फ बीजेपी की नीति अच्छी लगती है और किसी और की नहीं। हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे? नहीं नहीं देखिए, हमने पूरे चुनाव में बीजेपी के बारे में भी बोला, कांग्रेस के बारे में क्या अच्छा बुरा है वो भी बोला, समाजवादी पार्टी को भी हमने बोला अच्छा टक्कर दे रहे हैं, बसपा अगर लुप्त प्राय थी तो हमने वो भी बोला कि भाई बसपा निकल क्यों नहीं रही है, इतनी एग्रेसिव पार्टी, इतनी एग्रेसिव लीडर मायावती जी एकदम शांत बैठी है। तो हमें तो जो दिखता है एक्सरे की तरह हम वो दिखा देते हैं, एक्सरे से भी मॉडर्न, अल्ट्रासाउंड वगैरह बोलिए तो उस लेवल पे जा करके जो हमें दिखता है हम एकदम माइक्रो लेवल पे जाके बता देते हैं। अभी मैसेज आया है कि मिश्रा जी भाई ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में ही क्यों बोला, वो मैसेज आया। मैं नहीं बता रहा हूँ, बीजेपी के पक्ष में इसलिए बोला
क्योंकि ग्राउंड लेवल पे बीजेपी सबसे ज्यादा एक्टिव थी, उनके इफर्ट सबसे ज्यादा थे। अरे सिंपल सी चीज है, एक लड़का है एग्जाम के लिए 12 घंटा आंखें फोड़ रहा है, किताबें खोल के बैठा है, एक लड़का घूम रहा है, तो कौन पास होने के चांसेस किसके ज्यादा है? आदमी मतलब क्या आप विनोद जी पर कटाक्ष क्यों कर रहे हैं? मैं कटाक्ष किसी पर नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे दिखा वो मैंने बोल दिया। नहीं पढ़ाई तो वो भी कर रहे थे ना, आप उन्हें नालायक साबित कर रहे हैं। पढ़ाई तो वो भी कर रहे थे, वो तो जा रहे थे, उन्नाव भी गए, हाथरस भी गए, लखीमपुर खीरी भी गए, पूछिए कहाँ कहाँ नहीं गए, सारा पेट्रोल फूंक दिया। नहीं नहीं केवल देखिए केवल स्कूल तो सारे लड़के जाते हैं ना, 8 घंटे स्कूल में रहते भी हैं तो क्या सारे पास हो जाते हैं क्या? पढ़ाई करना अपने आप में एक बहुत विस्तृत विषय है, कैसे कर रहे हैं, क्या पढ़ाई क्यों नहीं की पता नहीं विनोद सिंह, पढ़ाई क्यों? एक मिनट सुनिए, अभी पूछ लेता हूँ। कोर्स आप सुनिए, आप कोर्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे कि कहानी और नॉवेल पढ़ रहे थे करमचंद का? ये चीज भी मायने रखता है ना, किताब में नॉवेल रख के आप पढ़ रहे थे तो ये भी तो मायने रखता है ना। लगता है क्लास में आप भी पीछे वाली सीट पे बैठते थे। खैर विनोद सिंह जल्दी से बात रखिए आप।